से पूरी दुनिया में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना वायरस ने दिल्ली और यूपी में भी दस्तक दे दी है। इटली से दिल्ली लौटे एक शख्स को जानलेवा वायरस से पीड़ित पाया गया। वहीं वायरस का शिकार हुआ दूसरा शख्स इस वक्त तेलंगाना में है, जो दुबई से वापस लौटा है। इस बीच कर्नाटक सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर आपात बैठक बुलाई है। दिल्ली में कोरोना वायरस की दस्तक के बाद नोएडा में भी कोरोना का खौफ पैदा हो गया है। यूपी में भी कोरोना वायरस के चलते हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नोएडा में कोरोना के खतरे से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार दिख रहा है। सीएमओ अनुराग भार्गव ने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की 1000 से ज्यादा कंपनियों को नोटिस दिया गया है। इन्हें आदेश दिया गया है कि जो लोग विदेश से लौट रहे हैं उनके बारे में स्वास्थ्य विभाग को सूचना दे। इस नोटिस में ईरान, सिंगापुर, चीन समेत 13 देशों से लौटने वाले लोगों की स्क्रीनिंग का आदेश भी दिया गया है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 3000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। चीन में कोरोना वायरस से 42 और मौतें होने की सूचना है। इसी के साथ चीन में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2912 हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इस महामारी से दुनिया भर में 3000 लोगों की जान चली गई है और 88000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। पूरी दुनिया में इस खौफनाक वायरस से हड़कंप मचा है। दरअसल यूरोप में तो ये वायरस लगातार फैलता ही जा रहा है। चीन से बाहर अब 9 गुना तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के दिल्ली तक पहुंचने से इसको लेकर बेचैनी लगातार बढ़ रही है। भारत में कोरोना के दिल्ली के अलावा तेलंगाना में 2 नए मामले मिले हैं। इससे भारत में इसके कुल मामलों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। लेकिन क्या कोरोना को लेकर खौफ ज्यादा होने की जरूरत है? तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि केरल में कोरोना वायरस के 3 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने खुद इसकी जानकारी दी थी। वो आपके माध्यम से हम सभी देश के लोगों से शेयर करना चाहते हैं, जो इंडियंस हैं उनको विशेष रूप से एडवाइस करना चाहते हैं कि विशेषकर ईरान, इटली, कोरिया और सिंगापुर, इन स्थानों पर जितना भी नॉन एसेंशियल ट्रैवल है उसको वो लोग पूरी तरह से अवॉइड करें। लगभग 1 फरवरी से लेकर और अब तक जो लोग ईरान से आए हैं, ऐसे 1186 लोगों को हमने उसको कम्युनिटी सर्वेलेंस पर भी रखा हुआ है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।